bright faces. Farhan, thanks so much for joining us. This picture is very different. So is it, you know, inspired by a true story? What was the reason to actually make the movie? मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी करीब ढाई साल पहले. मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी अबाउट इनमेट्स जो जेल में जो कैदी है वो किस तरह से म्यूजिक से प्रभावित होकर अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि इस दुनिया के हमें कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं. तो वो आर्टिकल पढ़कर मैंने बोला कि यार कुछ तो बात है. तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च और फिर पता चला कि लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्होंने एक बैंड बनाया हीलिंग हार्ट्स बैंड का नाम था जो कि लाइफर्स ने उन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया था. और बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो कि यूपी में 6 सेंट्रल जेल्स है जिसके बीच में एक बैंड कॉम्पिटिशन होता है फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स जो कि यूपी गवर्नमेंट कर रही थी. आई एम श्योर इट्स नॉट दैट बैड बट एटलीस्ट पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव कि आगे जाकर कुछ उनके लिए रिफॉर्म करे ताकि वो बाहर निकल कर कुछ सोसाइटी में फिर वापस आ सके कुछ काम कर सके. लोग बहुत सारे ब्रांड्स भी बन रही हैं विच स्नैक्स बनाते हैं कार्पेट भी सिखाते हैं बहुत सारी चीजें होती है जो कि बाहर उनके उनको सेल किया जाता है उसके तहत बहुत सारे उनको फायदा भी मिलती है. क्योंकि लखनऊ में तेजी की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले तो मैं आपसे पूछूंगी फरहान को क्यों बहुत तहजीब देने वाले मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आई बिलोंग इन जेल. जेल किसे भेजना चाहिए ये लग रहा है कॉन्विक्ट टाइप. बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग व्हाइल शूटिंग लखनऊ सेंट्रल because there's an antagonist which has been played by Lucknow Central and we have Farhan who's playing the lead character and yet other inmates in the jail. So there was a division because they got so much into the skin of their character. वो एक division हो गया था कि jailer versus the gang. अच्छा. तो वो feeling shooting करते समय feel हो रही थी कि वो character यार इसको तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला. वो feeling चल रही थी. That was every day. वो कौन सी उम्र थी जब आपको पता चला था कि आपके अंदर एक सिंगर है क्योंकि डांस आप बहुत अच्छा करते हैं बहुत आपके फ्रेंड्स ने कहा है बॉलीवुड के लेकिन अ सिंगर न्यू हाउ ओल्ड वर यू स्कूल में गाया था कहाँ गया था. जब मैं बच्चा था वाज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. मैं कॉन्स्टेंटली गुनगुनाता रहता था. अगर कोई ट्यून मुझे पसंद थी तो मैं फोनेटिकली उसे लिख कर आई टू सिंग इट. तो ये मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया उन्होंने कहा कि मतलब लग रहा है कि इसे म्यूजिक में दिलचस्पी है. तो दे गॉट मी अ म्यूजिक टीचर. सो फॉर 3 इयर्स आई हैड अ म्यूजिक टीचर व्हेन आई वाज अ किड. और उसके बाद मेरा मन उससे उड़ गया क्योंकि वो रोज सुबह उठकर रियाज करना मतलब आई वुड मच रादर गो एंड प्ले क्रिकेट यू नो प्ले फुटबॉल विद माय फ्रेंड्स और गो साइकिलिंग और समथिंग. तो वो मेरा मन उड़ गया उससे मैंने फिर छोड़ दी. फिर स्कूल में जब मैं था तो मैंने देखा कि कुछ मेरे जो दोस्त थे वो गिटार विटार बजाते थे एंड आई फील वेरी स्लाइटली जेलस कि उनके पास ये टैलेंट है. तो फिर मैंने एक गिटार खरीदी और मैंने अपने आप को सिखाना शुरू किया. सो दैट्स हाउ रियली हाउ इट स्टार्टेड. बट अदरवाइज द कांसेप्ट इट रियली जस्ट इमीडिएटली टिक हो गया सारे बॉक्सेस फॉर यू. बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी या जस्ट इमीडिएटली. एक तो मैं मतलब ही इज अनफॉर्चूनेटली नॉट हियर राइट नाउ विद अस बट इज असीम अरोरा हु इज द राइटर ऑफ द फिल्म. जो नरेशन उन्होंने मुझे दी जब पहली बार मैं उनसे मिला था आई वाज ब्लोन अवे. मैंने कहा था यार इसको प्लीज रिकॉर्ड कराओ ये जिस तरह से डायलॉग बोल रहा है वो सेड एग्जैक्टली लाइक दिस. तो सबने कहा नहीं वो बहुत फास्ट बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा. But it was a really good narration and a very engaging script. So from the word who I was on. आपको लेकिन honestly jail जाके कैसे लगा? अच्छी जिंदगी जिए, अच्छे काम करिए. हाँ jail से दूर रहिए. जुर्म से दूर रहिए, jail से दूर.